फ्रेंड्स, मैं निशा भाटी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फ्लोबर वॉल हैंगिंग बताने जा रही हूँ। मैंने आपको फ्लोबर वॉल हैंगिंग पहले भी बता रखे हैं काफ़ी डिजाइन, लेकिन आज मैं आपको इसका नीचे वाला पॉट का और ऊपर का डिजाइन है बिल्कुल ही अलग बताऊंगी। और आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है इसको बनाना। और जिसके लिए मैंने ये वायर लिया है, ये देखिए मैंने पर्पल और क्रीम कलर का वायर लिया है। और जो ये वायर लिया है, एक वायर ये 5 मीटर का कट करना होता है, मैंने एक वायर 5 मीटर कट किया है। जो ये पर्पल कलर है, मैंने इसमें 6 वायर कट किए हैं और एक वायर 5 मीटर का। और ये जो क्रीम कलर का है, ये भी मैंने एक वायर 5 मीटर का कट किया है और ये भी मैंने 6 वायर कट किए। टोटल हमें इसमें 12 वायर कट करने होते हैं। इसमें 2 कलर का ही बना रही हूँ मैं, से 2 कलर का ही बहुत सुंदर लगता है ये बनने के बाद में। आप भी 2 कलर का ही बनाइएगा इसे। और एक मैंने डार्क और एक हल्का कलर लिया है इसमें। और इसमें जो मोती लगते हैं, इसमें ये मैंने ये डार्क कलर मैंने मोती का लिया है। इसमें 30-35 के करीब मोती लग जाते हैं। ये देखिए ये वाले मोती, ये मैंने फ्लावर वाले मोती लिए हैं बीट्स। और ये जो मेरी रिंग है, ये मैंने एक रिंग तो ली है एक एक नंबर की, और ये ली है मैंने 2 नंबर की, एक 1-1 नंबर और 2 नंबर, 3 रिंग लगती हैं इसमें। ज़्यादा सामान की ज़रूरत है नहीं, बहुत ही ईजी है इसको बनाना। आप ये देखिए, सबसे पहले इसमें करना क्या है, ये जो वायर है मैं इन वायरों को डालूंगी इसमें। सबसे पहले मैं क्रीम कलर डालूंगी, ये देखिए क्रीम कलर के वायर में इसमें 3 डाल लूंगी, और 3 ही मैं इसमें फिर पर्पल कलर डालूंगी। अब सबसे पहले मैं ये पूरे वायर डाल के इसे तैयार कर लूंगी। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें पूरे टोटल 12 वायर डाल के तैयार कर लिए हैं। अब सबसे पहले मुझे करना क्या है, मैं एक नॉट्स लगाना बताऊंगी आपको, जो कि सिंपल भी है और बहुत ही इजी है। जो ऊपर से डिजाइन है वो बहुत ही सुंदर बन के आता है। ये देखिए, जैसे मैंने क्रीम कलर के वायर 3 इधर डाले और पर्पल 3 इधर, और फिर क्रीम और फिर पर्पल, ये मैंने टोटल 12 वायर डाल लिए हैं। अभी देखिए 3 वायर में, ये 3 1 2 3 3 वायर में क्रीम कलर के पकड़ूंगी इधर से, और 3 वायर में इसमें पर्पल कलर के पकड़ूंगी। अभी देखिए इसका हम नॉट्स लगाएंगे, ये जो बीच वाले 6 वायर हैं ये हम बीच में इधर ही रखेंगे। अभी देखिए जो कि मैं नॉट्स लगाती हूँ वो ही नॉट्स है इसमें, पर ये जो डिजाइन है ये बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद में। ये देखिए एक एक वायर को अच्छे से खींचना है इसमें। अभी देखिए नॉट्स लगाएंगे हम। ये देखिए इस तरीके से नॉट्स लगाएंगे हम इसमें। ये देखिए एक नॉट्स लग चुका है, अब हम दूसरा नॉट्स लगाएंगे। नॉट्स लगाने का तरीका मेरा वही है जो कि मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है। इस चीज का ध्यान रखिए, जो ये सफाई है हमारे बीच में, बिल्कुल सफाई आनी चाहिए। देखिए यही वायर, यही कलर के, एक कलर के वायर ही लेने हैं हमें इधर और एक कलर के इधर। अभी देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये डिजाइन। ये जो फ्लावर वॉल हैंगिंग बनाने जा रही हूँ मैं, ये दरवाजे पे हम डोर हैंगिंग के साथ लगाते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। और जो वायर लगता है इसमें, 400 ग्राम वायर लगता है इसमें, टोटल 400 ग्राम वायर, और 30 के करीब इसमें मोती लगते हैं, 3 रिंग लगती है। ये देखिए इधर से भी। अब ये जैसे मेरी इधर से ये सफाई आ रही है, ये देखिए जैसे इधर से सफाई आ रही है ऐसी ही आनी चाहिए आपकी भी। इस वायर को हम इधर लेंगे, इस वाले को देखिए, इसे ध्यान से लगाएं, थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम। अभी देखिए इधर से, अब हम इसको इधर से पकड़ेंगे। अब ये कलर हमारा इधर आ गया है तो इसको हम इधर पकड़ेंगे। ये देखिए ये आ गया इधर। अब जो ये वाला है इसको हम इधर कर देंगे और इस वाले को इधर लेके जाएंगे,
और फिर इस वाले को इधर और फिर इधर लेके जाएंगे। अगर आप पे नॉट्स लगाना आता है तो आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो। और ये जो बीच वाले वायर हैं इनको हम ऐसे ही पकड़ के रखेंगे, इनको ऐसे ही चलने देंगे और टोटल मैं इसमें 10 नॉट्स लगाऊंगी। ये देखिए, इसे थोड़ा टाइट खींचना है जैसे मैं खींच रही हूँ। देखिए इधर से थोड़ा टाइट ताकि हमारी और अच्छे से सफाई आए इसमें। और इसको जो नीचे का पॉट का डिजाइन बताऊंगी वो भी बहुत सिंपल बताऊंगी मैं आपको। आप इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये डिजाइन नोट्स लग के। फ्रेंड्स, मैंने ऊपर से ये पूरा डिजाइन बना दिया है, मैंने इसमें 10 नोट्स लगाए हैं और ये देखिए डिजाइन भी अच्छा लग रहा है, बनने के बाद में बहुत सुंदर लगता है ये। अभी देखिए सबसे पहले मुझे करना क्या है, इसमें हम नॉट्स लगाएंगे। अब ये जो वायर है ये क्रीम कलर का वायर, मैं इसे नीचे रखूंगी और ये पर्पल कलर है इसे मैं ऊपर रखूंगी। अभी देखिए इसमें सबसे पहले हमें दोनों तरफ नॉट्स लगाना है। ये देखिए दोनों तरफ नॉट्स लगाएंगे हम इसमें। ये जो क्रीम कलर का है इसे हम इसके अंदर दबा देंगे और जो ये पर्पल है इसको हम ऊपर लेके आएंगे। हमें सारे में ही ऐसे करना है, क्रीम कलर को नीचे दबाना है और इस पर्पल को ऊपर लेके आना है। ये देखिए नॉट्स, जैसे मैंने ये बड़े वाले नॉट्स लगाए थे ये पूरे वायरों से, ये नॉट्स भी वही है। और इसका भी सेट बनता है दो का, दरवाजे पे जैसे हम लगाते हैं बीच में डोर हैंगिंग और साइडों में हम ये वॉल हैंगिंग ये लगाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं कोई भी वीडियो डाल सकूं तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी देखिए मैंने इधर तक इसको बना दिया है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस ये क्रीम कलर का वायर है इसको नीचे दबाना है और ये जो पर्पल कलर का वायर है इसको ऊपर लेके आना है, इसमें बस नॉट्स ही लगाने हैं। ये देखिए इधर से भी, अब ऐसे ही इसमें जो ये डिजाइन बना रही हूं मैं ये वाला, ये 6 बनेंगे। जैसे मेरे 12 वायर हैं तो ये 6 डिजाइन बनेंगे 6, और ये 6 बना के मैं इसे तैयार कर लूंगी, फिर मैं आपको इसका आगे का डिजाइन बताऊंगी। ये इसको बनाने में 2-3 घंटे के करीब लग जाते हैं क्योंकि हम इतनी बड़ी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, ज्यादा बड़ी वीडियो तो आपको भी देखने में पड़ेगी, इस वजह से हम इसको कट कर करके दिखाते हैं ताकि हमने मैंने आपको बता दिया है। जैसे ये क्रीम कलर को नीचे दबाएंगे और पर्पल कलर को ऊपर रखेंगे और टोटल ये जो सारे हैं सेम ऐसे ही बनाने हैं। और जो मैं इसकी लंबाई कम से कम 10 इंच के बराबर काउंट करके ये जो नॉट्स हैं इनको काउंट करके बनाइएगा, मैं काउंट करके आपको बताऊंगी। पहले मैं 6 बना के इसे तैयार कर लूंगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बना के तैयार कर लिया है और ये देखिए 6 बने हैं ये। और इसमें जो मैं नॉट्स लगाए हैं, एक उसमें 23 नॉट्स लगाए हैं और एक बीट डाल के मैंने इधर एक नॉट्स लगा दिया है। अब सबसे पहले मुझे इसमें करना क्या है, ये देखिए इस वाले से, अब ये जो ये वाला पर्पल कलर वाला वायर है इसको हम अंदर कर लेंगे और इसको क्रीम कलर वाले को हम बाहर निकाल देंगे। अभी देखिए इसमें हम एक तरफ नॉट्स लगाएंगे, ये हमने उसमें दोनों तरफ नॉट्स लगाया था लेकिन इसमें हम एक तरफ नॉट्स लगाएंगे।
ये देखिए इस तरीके से बल बल टाइप में डिजाइन आएगा। फिर ये बनने के बाद में एक तरफ नॉट्स लगाने से ये देखिए इस तरीके से डिजाइन आ रहा है ये। और ये जो डिजाइन है ये हमें 6 बार करना है। ये जो बल आ रहे हैं हमारे ये 6 बल देने हैं इसमें। अगर आपका वायर छोटा पड़ रहा है, मैंने इसमें कम काटा है, लेकिन 5 मीटर का इसमें एक वायर लगता है तो मैंने थोड़ा कम काटा था, क्योंकि बनाने में फिर दिक्कत होती है और मैं इसे फिर बाद में लाइटर से ज्वाइंट कर लेती हूँ जहाँ से ये छोटा पड़ता है। अभी देखिए ये मैंने 6 नॉट्स लगा लिए हैं। फ्रेंड्स मैंने इसको इतना बनाया था और फिर मैंने इधर से ये देखिए इधर से मैंने इसको इतना बना लिया है। ये देखिए इतना मैंने इसको बना लिया है। इसमें 6 रस्सी बनती है, देखिए 6 बनती है। अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताऊंगी इसका कि किस तरीके से हम इसे बनाया है मैंने। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था इधर से कि पहले मैंने इसमें दोनों तरफ नॉट्स लगाए थे, फिर मैंने एक मोती डाला था इसमें, और मोती डालने के बाद में अब मैं इसमें एक तरफ नॉट्स लगाऊंगी। अब देखिए जैसे कि मैं ये पर्पल कलर है इसको मैं नीचे दबा दूंगी और ये जो क्रीम कलर का है इसको हम ऊपर ले लेंगे। ये देखिए जैसे मैंने ये बना रखा और इसको थोड़ा टाइट खींचना होता है क्योंकि जो हम नॉट्स लगा रहे हैं एक तरफ का नॉट्स है ये। देखिए इस तरीके से थोड़ा टाइट खींचेंगे इसे। ये देखिए नॉट्स लगाने का तरीका मेरा वही है, ये एक दोनों तरफ का नॉट्स होता है और जो ये नॉट्स लगा रही हूँ मैं ये एक तरफ ही लगा रही हूँ तभी हमारे ये बल्ब बन के आ रहे हैं। देखिए बल्ब टाइप में डिजाइन बन के आ रहा है ये। ये डिजाइन बहुत ही इजी है बनाना, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसमें नॉट्स लगाना है और दोनों दो तरफ का नॉट है इसमें सीधा, एक दोनों तरफ का और एक तरफ का। और बनने के बाद में भी वॉल हैंग बहुत सुंदर लगता है। अभी देखिए फ्रेंड्स मैंने ये इधर तक बना के तैयार कर लिया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने इसमें पर्पल कलर नीचे दबाया था और मैंने क्रीम कलर ऊपर लिया था। अब इसमें मैं इस क्रीम कलर को नीचे दबा दूंगी जैसे मेरा ये वाला डिजाइन आ रहा है। अब इसमें हम अलग से वायर नहीं लेते हैं, इसी को दबा दे। अब देखिए मैं क्रीम कलर को नीचे दबा दूंगी और इसको जो हमारी पर्पल वाला कलर है इसको हम ऊपर ले लेंगे। ये देखिए तभी इसमें दो कलर दिखाई देते हैं। आप सोचते होंगे अलग अलग वायर कट करने होते, अलग नहीं कट करने होते, इसमें इसको दबा देते हैं। अब जैसे मैंने दबा दिया तो ये कलर निकल के आ गया। अभी देखिए इधर से और आप इसको कितना भी जितना आप लॉन्ग करना चाहते हो अपने दरवाजे के हिसाब से आप इसे इतना लॉन्ग कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, बस यही है इसको जैसे मैंने ये ऊपर लिया फिर ये नीचे लिया ऐसे ये दबाना है और एक कलर जैसे ये दबा दिया तो ये उठा लिया, इसको दबा दिया तो इसको उठा लिया, इस तरीके से इसमें बस डिजाइन बनाना है। अभी देखिए मैंने इतना बना लिया इसको, ये बल अपने आप ही बन के आ जाते हैं। अगर हम एक तरफ नॉट्स लगा रहे हैं तो ये बल अपने आप ही बन जाते हैं, अगर हम दोनों तरफ नॉट्स लगाएंगे तो ये बल नहीं बनेंगे।
जरूर नहीं है, आप मेरे एक तरफ का नोट्स का बना रही हूँ, जैसे मैं आप दोनों तरफ के नोट्स का भी बना सकते हो, लेकिन वो इतना सुंदर नहीं लगता, इसमें बलवा आ रहे हैं, थोड़ा डिजाइन आ रहा है बनके, तो ये थोड़ा ज्यादा सुंदर लगता है। अभी देखिए इसी तरीके से मैंने इसको बनाया है, ये देखिए पूरी डोरी को मैंने नीचे तक बना लिया है। अब मैं इसमें फ्लावर पॉट डालूंगी, नीचे डिजाइन बताऊंगी आपको, बहुत ही सिंपल और इजी डिजाइन बताऊंगी मैं आज आपको फ्लावर पॉट का, और बनने के बाद में भी वो बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें आप पूरा जैसे हमारे बने हुए गमले आते हैं प्लास्टिक में फ्लावर वाले, उनको भी आप उसमें रख सकते हो, आज मैं वो ही बताऊंगी आपको। ये देखिए अब मैं इस पूरे को बना के तैयार कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने इधर तक बना के तैयार कर लिया है पूरा, अब मैं आपको इसकी पॉट बनाना बताऊंगी कि इस पॉट हम किस तरीके से बनाते हैं। ये देखिए मैंने जो रिंग ली थी 2 नंबर की, मैंने इसमें वायर लपेट लिया है, और सबसे पहले मुझे करना क्या है, इस रिंग को हम इसके वायर के अंदर डालेंगे, और वायर के अंदर डालने के बाद में हम एक एक वायर लेंगे। ये देखिए एक एक वायर लेंगे और इसमें हम नॉट्स लगाएंगे, ये देखिए टाइट नोट्स लगाना है हमें इधर। ये देखिए इधर से, और अब दूसरा वायर लेंगे हम, ध्यान ऊपर से भी थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, ये देखिए इस तरीके से, और इसमें हम इतना गैप देंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने इधर तक पूरे को इस तरीके से नॉट्स लगाना है, थोड़ा टाइट रखना है इस रिंग के अंदर, ये देखिए ऐसे नॉट्स लगाना है इसमें। अभी देखिए अब इसमें हम इधर भी नॉट्स लगाएंगे, अब मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी किस तरीके से अब ये टोकरी हमको बनानी है। ये देखिए इधर हम इसमें काउंट करके 5 नॉट्स लगाएंगे, ये देखिए 5 नॉट्स लगा दिए, और 5 नॉट्स ही मैं इसमें लगाऊंगी। ये देखिए हर किसी में 5 5 नॉट्स लगाने हैं। ये टोकरी बनाने का पॉट बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका, ये देखिए दोनों बराबर हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं एक मोती डालूंगी, ये देखिए मोती डालेंगे हम, मोती आप कोई भी ले सकते हो, मैं पूरे में एक ही कलर के मोती ले रही हूँ इस तरीके से, और इसको हम ज्यादा टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा लूज ही रखेंगे ताकि जो ये डिजाइन है हमारा ये अच्छा लगे। देखिए हम इसको इतना लूज रखेंगे, और इधर एक नॉट्स लगा देंगे, फिर से हम इसमें 3 नॉट्स लगाएंगे इधर। ये देखिए अब इसमें हमने 3 नॉट्स लगा दिए हैं, अब इधर की साइड से लेंगे हम, ये देखिए अब इसको बनाएंगे। इधर 5 नॉट्स लगाएंगे, लूज नहीं छोड़ना है नॉट्स को, बिल्कुल भी टाइट टाइट लगाना है। ये देखिए 5 नॉट्स लगा रही हूँ मैं इधर भी, ये देखिए 5 नॉट्स लग चुके हैं। अब इधर भी मैं एक मोती डालूंगी फिर से, ये देखिए इधर भी हम एक मोती डालेंगे, और इसको ज्यादा लूज नहीं रखेंगे, थोड़ा लूज ही रखेंगे, ज्यादा टाइट नहीं रखेंगे इसको,
जैसे हमने इधर से रखा था। ये डिजाइन बहुत ही सुंदर है। इसमें हम जो हमारा प्लास्टिक का गमला आता है उसमें फ्लावर भी आते हैं, उसको भी हम इसमें रख सकते हैं, काफी बड़ा हो जाता है। मैं आपको रख के दिखाऊंगी इसमें पूरा गमला ही, किस तरीके से हम इसमें छोटा वाला पॉट रख सकते हैं। अभी देखिए इधर मैं 3 नॉट्स लगा दूंगी इसमें। ये देखिए हमारा डिजाइन है वो इस तरीके से आ रहा है बनने के बाद में। ये देखिए इस तरीके से डिजाइन आ रहा है इसका। और अब मैं इधर भी, ये देखिए इधर से भी हम इसमें 5 नॉट्स लगाएंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पॉट को पूरा बना के तैयार कर लिया है। अभी देखिए आप इसको कितना भी बड़ा करना चाहते हो इतना आप इसको कर सकते हो। अब मैंने जो एक नंबर वाली रिंग ली थी मैंने इसमें देखिए डिजाइन बना दिया है वही नॉट्स वाला। अब इसको हम इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे और डालने के बाद में हम इसमें एक एक नॉट्स फिर से लगाएंगे। और इसको भी टाइट लगाना है ताकि हमारा ये जो डिजाइन है ये फिनिशिंग के साथ दिखाई दे। थोड़ा पास ही लगाना है क्योंकि हमारी रिंग थोड़ी छोटी है एक नंबर की, तो इसमें ये पूरे कवर नहीं हो पाएंगे, तो इसको 1-1 इंच के बराबर गैप देना है बस। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे 1-1 इंच के बराबर गैप देके मैंने पूरे को इस पे नॉट्स लगा दिया है। अब इसको हम इधर से थोड़ा टाइट पकड़ेंगे इधर से, और इसी में से एक वायर लेंगे। ये देखिए इसी में से थोड़ा बड़ा वायर लेंगे और उसी वायर से हम इसको ऐसे टाइट कर देंगे, बिल्कुल टाइट खींच के। तब इसे हमें ऐसे रोल करेंगे इसे हम। ये देखिए इधर से भी, और बिल्कुल इसे भी सफाई के साथ रोल करना है इधर। कोई भी शीशा झूला आप कुछ भी बनाए उसमें फिनिशिंग आनी चाहिए तभी ये सुंदर लगता है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग है इसमें पूरे में। अब इसको मैं इधर चिपका के और इनको कट करके इसमें वेल्स लगा के इस पूरे को तैयार कर लूंगी। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा वॉल हैंगिंग आपके सामने बन के तैयार हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इधर से ये वाला डिजाइन, और इधर से भी मैंने इसको पूरा बना के तैयार कर लिया है। देखिए कितनी सुंदर आ रही है इसकी शेप बनने के बाद में। और ये देखिए मैंने फ्लावर भी रख दिया है, मैंने भी इसका जोड़ा ही बनाया है। ये देखिए दोनों का जोड़ा बनाया है मैंने भी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको समझने में फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।